जो दोषी बाहर बैठे हैं जिन्होंने ये मर्डर करवाया था वो अभी तक नहीं पकड़े गए। हम चाहते हैं कि उन दोषियों को लाया जाए यहाँ, और मतलब एक न्याय होना चाहिए। न्याय का मतलब ये नहीं कि उनको अंदर कर दिया जाए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसा कि राज शेखावत जी ने कहा है कि एनकाउंटर या फांसी, उनकी वो मांग है, वही मांग हमारी है कि एनकाउंटर या फांसी। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड के 3 महीने के बाद एक बार फिर हुंकार राजपूतों ने भरी है और क्षेत्रीय राजपूत समाज द्वारा आज यहां पर जयपुर में एक तरह से कहें कि श्रद्धांजलि सभा के बहाने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राज शेखावत जी हमारे साथ मौजूद है। शेखावत जी, 3 महीने बाद फिर से हुंकार, क्या मांगे पुरजोर से तरीके से उठा रहे हैं आप? आज श्रद्धांजलि सभा और राजस्थान विधानसभा धरना प्रदर्शन का आयोजन है और ये प्री प्लान था हमारा, आज से नहीं है, 2 महीने पहले से हमने आयोजन किया था और आज यहाँ सभी उपस्थित है। हमारी जो मुख्य मांग है वो है इन जितने भी हत्या के दोषी हैं उन दोषियों की शीघ्र अतिशीघ्र या तो एनकाउंटर किया जाए या उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। गिरफ्तारियां ही नहीं हुई अभी तक, हथियार बरामद नहीं हुआ है। अब सब इसके 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 वजह से वो आज नहीं तो कल छूट जाएंगे, फिर हत्याओं को अंजाम देंगे। तो जिनको संविधान का डर नहीं है, जिनको कानून का डर नहीं है, उनको हम क्यों जेल में रखे एनकाउंटर किया जाए या फांसी चढ़ा दी जाए, अब एक एग्जाम्पल सेट हो, ये मुख्य मांग है। उसके अलावा हमने नरेंद्र सिंह जो फौजी हमारे उन नरेंद्र सिंह फौजी साहब के लिए हमने मांग की कि फौजी साहब आपकी जो इनकी सरकारी जो सुरक्षा है वो सरकार सुनिश्चित करें। उसके अलावा उनके जो भाई हैं, उनके जो सगे भाई हैं उनको भी सरकार सुरक्षा प्रदान करे और उनकी जो भी मांग है उन पर ध्यान दे। इसी तरह से हमने कई मांगों को लेकर मैदान में उतरे हैं और इन मांगों पर सहमति दर्ज करा के मैदान छोड़े। लेकिन जो वहां पर घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जो हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ था, जो मूवमेंट खड़ा हुआ था, वो मूवमेंट कर्मी आधे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा है साहब, हमने तो क्या सभी को सार्वजनिक आमंत्रण दिया था और आज उनकी उपस्थिति है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उनके आशीर्वाद हमारे साथ ही, हमारे समाज के अग्रणी हैं, हमारे समाज के अनमोल रत्न हैं। लेकिन जहां भी हम हैं वहां उनके आशीर्वाद हमारे साथ है, हमने जो मंजिल पानी है हम मंजिल पा लेंगे। आज जो ये जनबल है, ये जनबल के सहारे हम हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लेंगे। हमें यहाँ से कूच करना है। 3 बजे तक हमने अल्टीमेटम दिया है सरकार को, 3 बजे तक वो हमारी मांगों पे सहमति दर्ज करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर हम यहाँ से कूच करेंगे, आपके सामने कूच करेंगे 3 बजे के पश्चात विधानसभा। भले संख्या ये 50 है 100 है 500 है 1000 है जो भी है, इस संख्या को लेकर हम यहाँ से कूच करेंगे और हमारी मांगों पर सहमति दर्ज करके मैदान छोड़ेंगे। 3 महीने बीत चुके हैं और 90 दिन का कोर्ट से एनआईए ने और समय मांगा है, क्या पर्याप्त नहीं थे 3 महीने? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियों द्वारा, देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियों द्वारा यदि जांच हो रही हो और 3 महीने 90 दिन भी इनको कम पड़ते हो तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, उनको तो तुरंत प्रभाव से इस पे निर्णय पे आना चाहिए था, चार्जशीट दाखिल करनी थी और उनको फांसी पे चढ़वाना चाहिए था। 90 दिन और मांगे हैं तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, लेकिन ठीक है, संवैधानिक निर्णय है, वो उनका हक है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा आपके माध्यम से एनआईए को कि जब आपने जांच कर ली है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो ये जितने भी है दोषी, इन दोषियों का एनकाउंटर या फांसी के लिए आपकी तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो शीघ्र अतिशीघ्र करें, ताकि जो एक आक्रोश है जनता में उस आक्रोश को हम शांत कर सकें। धमकियां तो कई कैंडिडेट को और भी मिल रही है पूरा घटना के बाद, इसमें आप भी अच्छे तो नहीं हो? ऐसा है साहब, अंतरात्मा की जो हमारी आवाज थी, जो आक्रोश था, हमने व्यक्त किया और उस आक्रोश व्यक्त करने के पश्चात धमकियां मुझे बहुत सारी मिली है, जान से मार देंगे, बहुत कुछ मिला है। लेकिन इस दुनिया में लाने वाला परमात्मा है, ले जाने वाला परमात्मा है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तो समाज से भी कहना चाहता हूँ, मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि गलत हुआ है तो आप आक्रोश अपना व्यक्त करें और इन लोगों को बता दें कि करणी सेना भी कमजोर नहीं है और हमारा छात्र धर्म है, हम तो जनता की रक्षा और सेवा करते आए, और आज हमें यदि आवश्यकता है हमारी सेवा और रक्षा करने की तो हमें कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुल के बोलना है और न्याय अधिकार हमें पाके ही मतलब लेना है। सवाल ये खड़ा हो रहा कि आपने इस जगह को क्यों चुना? आपने गोगामेड़ी को भी चुन सकते थे, आप वहाँ के जो घटनाक्रम हुआ था उस जगह को भी चुन सकते थे। मेरा कार्यालय इधर पास में है, उधर से यहाँ जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत सुदृढ़ थी, दूसरा यहाँ से विधानसभा भी ज्यादा दूर नहीं है, तो हमें विधानसभा जब कूच करना है तो हमें उसकी सारी तैयारियां करनी अति आवश्यक है। हमने उसी हिसाब से यहाँ पर प्लानिंग किया है और ठीक है, सारी व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, तो ये जो व्यवस्था है हमारी जो कोर कमेटी है उसके निर्णय से हमने प्लान किया है। कुछ मूवमेंट से जुड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं, ये धरना स्थल का नजारा है जहाँ पर जो एक एक करके लोग है वो वहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे सभा स्थल पर जो एक तरह से कहें कि जो गोगामेड़ी की कथित तीसरी पत्नी है सपना सोनी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सपना सोनी से भी बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं।
यहाँ पर वो मीडिया से की मुखातिब हो रही है, उनसे भी जान करते हैं किस तरह से आज के पूरे कार्यक्रम को सपना सोनी जी देख रहे हैं इसको लेकर। सपना जी आज के कार्यक्रम को कैसे देखते हैं मैम जी? आज के कार्यक्रम को आपको बता आगे नीचे चलिए। आज के कार्यक्रम को कैसे देखते जी? राज शेखावत जी जो गुजरात से चल के आए हैं यहाँ न्याय की लड़ाई के लिए, तो जैसे कि आपको पता 3 महीना 1 दिन हो चुका है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। उस न्याय की लड़ाई के लिए आज हम आगे आए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि न्याय मिले। आप कहीं फेसबुक पर ऐसी पोस्ट लिख रहे हो जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपका आक्रोश है वो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई नहीं देखी जा रही इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि एनआईए ने एक तरह से 90 दिन का वक्त और मांगा है। 90 दिन का वक्त मांगा है एनआईए ने। हम देखो शासन और प्रशासन और सरकार से कहीं ना कहीं तो हम लोग संतुष्ट हैं कि जो दोषी पकड़े गए हैं, लेकिन जो दोषी बाहर बैठे हैं जिन्होंने ये मर्डर करवाया था वो अभी तक नहीं पकड़े गए। हम चाहते हैं कि उन दोषियों को लाया जाए यहाँ, और मतलब एक न्याय होना चाहिए। न्याय का मतलब ये नहीं कि उनको अंदर कर दिया जाए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसा कि राज शेखावत जी ने कहा है कि एनकाउंटर या फांसी, उनकी वो मांग है, वही मांग हमारी है कि एनकाउंटर या फांसी। एनकाउंटर का प्रावधान चलो नहीं होता है, लेकिन फांसी का तो होता है ना। जो गुनाह उन्होंने किया है उसको उनकी सजा मिलनी चाहिए। जो गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, और इसी को लेकर आज ये बड़ी संख्या में जो कर्णी सेना की आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये जो चित्रकूट स्टेडियम है, और चित्रकूट स्टेडियम की तस्वीर है जहाँ पर श्रद्धांजलि सभा के बाहर ने सरकार को घेरना का ये कर्णी सेनाओं ने प्रयास किया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, अमित, राजस्थान तक।